अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये सुने ना, हमरी और बाबू साहेब की सगी बेटी है। तो ये अब तक कहाँ थी बड़ी माँ? जो आदमी का जिंदगी को एक सवाल बना दिया है, अब सारे सवालों का जवाब वो ही देगा। बताइए बाबू साहेब, कहाँ थी हमारी बेटी इतने सालों तक? बताइए सभी को। हमरा तो हाथ पैर सुन नहीं हो गया है, ये कहाँ बोली जा रही है आप दीदी? सब इंतजार कर रहे हैं बाबू साहेब, ये कहाँ थी सुनैना इतने सालों तक? दिखाने में थी। खाना में, मतलब बचपन से लेके आज तक ही लड़की तहखाना में रह रही थी? पर काहे? तहखाने में ये लिए थी काहे कि तहखाना ही उसकी जगह है। जब से ये अपशगुनी हमरा जिंदगी में आई है, तब आइन से हमरा कारोबार ठप हो गया था। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे हम। इनको तबाइन मानना चाहते थे और अभाइन भी मानना चाहते हैं। झूठ पे झूठ, आखिर कितना झूठ बोलेंगे बाबू साहेब? क्या बोल रहे हैं आप बड़े पापा? वही तो, आज तक आपने हमारे साथ तो ऐसा बिहेव नहीं किया ना बड़े पापा। और अपशगुनी, कौन से जमाने की सोच है ये बड़े पापा? शिव्या, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो गई कि भाई साहब से सवाल करो। भाई साहब इतना फूल जैसी बच्ची को आप कुनो जानवर के जैसा कैद करके इसी का घर के तहखाने के नीचे रखे थे आप? अरे इतना कठोर कैसे हो गए आप? रमोला, अपना और अपनी बेटी का चबा ना काबू में रखो। अब तो हद ही हो गया है, आज भी इनका वकालत कीजिएगा काहे जी? अरे इतना बड़ा पाप का भागीदार बनना है आपको? मत बहुत हुआ, हमने कोनो पाप नहीं किया। हमने तबाइन भी वो किया जो हमको सही लगा और अबाइन भी वो करेंगे जो हमको सही लगेगा। जॉन को जो सोचना है सोचता रहे, बात खत्म। बाप का कुछ भी समझे, री हमारे लिए हमारी जान से बढ़कर है। रगरी पर आज भी आई ना तो या तो हम मर जाएंगे या मार देंगे। परी का कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे तुझे बिटिया। सुने ना, सुने ना, उठना उठना बाबू। हे बिटिया, सुने ना। आगे खोल, आजा
आजा। अभी हमरी समझ में आया कि काहे कुमुद दीदी पूरा दिन हमसे मुंह सड़ा के अपना कोठरी में घुसी रहती थी और दिन में चार चार बार थाल भरकर खाना भी तो अपने कमरे में ले जाती थी। वही तो। अरे देख देख के तो हमको साक पे साक लग रहा था कि इतना हैवी डाइट खाने के बाद भी कुमुद दीदी का शरीर पे चर्बी काहे नहीं चढ़ता है। अब समझ में आया। हे भगवान, मतलब भाई साहब की पीरापटी का बंटवारा हो जाएगा। कैसी इंसान हो माँ, सुने ना दी, इतने सालों तक बेसमेंट में बंद रही और वो सब भूलकर आप ये बकवास की बातें कर रही हो। तुम ना ज्यादा मुनमुनाओ मत। हाँ, अब देखना तो ही है कि ये लड़की का इस घर में आने के बाद कौन कौन सा नया नौटंकी शुरू होता है। जी सुने ना, हमरी और बाबू साहेब की सगी बेटी है। भैया ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए इसे। भैया छोड़िए, क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए इसे। अपना ऊपर ही गुस्सा करने से हल नहीं ना निकलेगा भैया। तो कैसे निकलेगा हल परवेश? फिर से झूठ बोल के मुंगेर का बाबू साहेब नरेश सिंह एक कमजोर और बुजदिल की तरह झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। ओकरे घर एक अपशगुनी संतान पैदा हुई है। कौन बाप अपनी ही बेटी की डोली की जगह उका अर्थी उठाना चाहता है परवेश? कौन बाप ऐसा करना चाहता है? लेकिन वैसा कलंक है जो केवल हमरे मुंह पर नहीं, वो हमरे पूरी पीढ़ी के मुंह पर कालिक होते हैं। जौन पूरा मुंगेर हमरे सामने झुकता नमन करता है, वो हमरे मुंह पर थूकेगा। मुझे नहीं थे भैया आपके साथ तकदीर ऐसा खेल खेलेगा। नहीं सोचे थे, लेकिन अभी इस तकदीर से बचने का कौन रास्ता बूझ नहीं रहा। कुमुद का प्रेम के कारण हम वो लड़की उसका जान बख्शे थे, वरना तबाही खत्म कर दिए होते। और वो कुमुद हमको तहखाने में जलते हुए तहखाने में छोड़ के चली गई। अब क्या बचा परवेश? कुछ नहीं बचा भैया। अभी भी ना ये उलझन को संभलने का अभी भी रास्ता है। भाभी से माफी मांग लीजिए। बनावटी माफी, बनावटी। कहा है कि वो जैसे ही माहौल ठंडा हो जाए ना, तब हम मनोज का काम तब हम कर देंगे। बोल का ही नहीं रही है। इतनी
चुप क्यों है? आप बचपन से आप समझाती थी ना कि कमरे के बाहर नहीं जाना। हम फिर भी कमरे के बाहर गए, इसके काले शैतान ने हमारा कमरा जलाया ना। हाँ बाप, कमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए था। कहाँ गई तुम बाहर? माँ, कान्हा जी ने कहा है ना, इस सृष्टि में होने वाले हर घटना का कारण वो स्वयं होते। इसका मतलब उस काले शैतान ने हमारा कमरा जलाया। इसके पीछे भी ना हमारी कान्हा जी की कोई ना कोई वजह जरूर छिपी होगी। माँ, आपको याद है सुनैना ने आपको बताया था कि कान्हा जी उसके सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। देखो ना, मैं उस कमरे के बाहर अपने परिवार के बीच हूं, कहीं यही तो बदलाव है। बोलो ना माँ। बड़े पापा, बड़ी माँ सुनैना दी को लेके दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई है। डर मत, मैं देखती हूँ। अब क्या हुआ? यहाँ कहाँ आए हैं? हमको माफ कर दीजिए गुम, हम आपकी ममता समझ नहीं पाए। फिर से झूठ, कौन नया प्लानिंग सोचे हैं? कुमुद, जो पति अपनी पत्नी का विश्वास ना जीत पाए वो रिश्ता हार जाता है। हमको एक मौका और दे दो कुमुद, हम नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता हारे। हम तुमको खोना नहीं चाहते, कहे कि इतना सालों से वो हमारे सामने आई नहीं थी, इसलिए हमारा दिल पत्थर का हो गया था। अब वो हमारे सामने आई है तो हमारा दिल पिघल गया है। अच्छा, और हमने भी फैसला लिया है कि हम उनको अपना लेंगे। सुनैना को अपनाने का फैसला कर लिए आप? हाँ। तब तो सुनैना से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको?
क्या बात है, पिछले दिल में तो आसानी से माफी मांगी जा सकती है। माफ कर दो बेटा, तुम्हारे साथ अन्याय किए, अत्याचार किए, तहखाने में बंद करने के लिए हम हाउ बोले थे, गलती किए, माफ कर दो बेटा। वेरी गुड बड़े पापा, अब आपने सॉरी बोल दिया है तो बात ही खत्म। बस जैसे आप हम सबको प्यार करते हैं ना, वैसे ही आपको सुनैना दी को भी प्यार करना होगा। हाय, आपको पता है मैं कौन हूँ? अब तुम शिव्या हो और तुम पंकजा, दोनों हमारी कजिन बहनें हो, और वो है रमोला चाची। अब हमने आप सबकी तस्वीर बनाकर रखी थी, पर वो सारी आग में जल गई। भाव दी, आप तो बहुत ही टैलेंटेड हो। से किसी ने आपसे कहा है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो? चलो अभी अपना घर भी तो देख लो, चलो लेट्स गो दी। जी को साथ लेके क्यों चल रही हो? कान्हा जी तो हमेशा अपनी सुनैना के साथ ही रहते, ये तो बचाते हैं ना उसे उस काले शैतान से। दी, यहाँ लोग होते हैं, वहाँ काला शैतान नहीं आता, है ना बड़े पापा? और वैसे भी मैं हूँ ना आपकी नई बॉडीगार्ड। आप कान्हा जी को यही रहने दीजिए और आप चलिए मेरे साथ। लाओ कान्हा जी को मैं रख लेती हूँ, जाओ बाबू। हाँ चलो, हम सभी साथ ही में चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी माफी आपके हर वादे की तरह झूठी नहीं होगी बाबू साहेब। नहीं कुमत, ऐसा कुछ हो नहीं होगा, विश्वास करिए।
मैं। इससे अभी तक ना सिर्फ पंकजा दी ही इस घर की प्रिंसेस थी, पर अब आप प्रिंसेस नंबर वन हो और पंकजा दी प्रिंसेस नंबर टू। ये है आपकी स्पेशल चेयर। अब आप ना यहाँ बैठ के हम दोनों छोटी बहनों को ऑर्डर्स देना, ओके? इतने भी कोई छोटे नहीं हम इनसे, सिर्फ एक ही साल तो बड़ी है हमसे सुनैना। ओके फाइन। सुनैना दी, आप बताओ आपको ये घर कैसा लगा? बहुत ही प्यारा, और पता है यहाँ तो उस काले शैतान के आने का डर भी नहीं लग रहा है ना दी। अब आप ना वो सब भूल जाइए, हम सब है ना यहाँ आपके पास। अरे तुम हटो जरा, ये सब छोड़ो, हमको ये बताओ कि तुम ना वो जो तहखाना था वो कुंभ निधि का कमरा का नीचे ही था। इतना बड़ा राज हमरी नाक के नीचे छिपा के रखी थी, बताइए। अच्छा जी बताओ कि तुम इतना साल में केवल वो कुंभ दीदी को ही देखी हो? अरे कोनो पंछी जानवर कुछ तो देखी होगी कभी, हाँ? तुम हमको जवाब दो। आप उन्हें नर्वस कर रही है। अरे हम चाची हैं इसकी, चाची से कोनो बात करके नर्वस होता है, तुम भी ना तो। सुनैना दी हो रही है, आप चलिए मेरे साथ। हमको माँ चलिए, करती है क्यों तुम भी? ये तुम्हारे होने वाले जीजा जी हैं, ये हमारे मंगेतर हैं।